हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी स्पेशल सदाबहार जीके जीएस एडवांस अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 50 क्वेश्चन का सीरीज जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से आपको जोड़ने का प्रयास और आगामी एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन और अपडेटेड क्वेश्चन देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी यूपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, सिविल कोर्ट के लिए, एसएससी पीटी या मेंस दोनों प्रकार के एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस का एग्जाम हो, इन सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये सीरीज रहेगा। अभी तक 132वां नंबर से इसमें चल रहा है। इसके पहले का पीडीएफ अगर आप लिए होंगे और उसका रिविजन किए होंगे तो बिहार एसएससी के क्वेश्चन में आप देखे होंगे, जो एग्जाम पड़ा है 23 तारीख को, आप देखे होंगे क्या क्वेश्चन का प्रारूप है और क्या क्वेश्चन के प्रारूप के अकॉर्डिंग हम इस प्रैक्टिस में क्वेश्चन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम हर कॉम्पिटिशन को अपडेटेड रखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। इसी 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपको हर एक कंपटीशन को तैयारी करते हुए दिखेंगे हम, और साथ ही आपका अगर विश्वास हमारे ऊपर रहा, आपका साथ हमारे ऊपर रहेगा, तो निश्चित तौर पर हम अच्छे कंटेंट को और भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपका रिजल्ट आपके पीछे न रह जाए, आप हमेशा रिजल्ट में आगे रहिए। इसके लिए ये कंपटीशन का सीरीज जो है 50 क्वेश्चन का आपके लिए लागू कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड भी होने वाला है। साथ ही आपको बता दें यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी यह क्वेश्चन होगा, साथ में ट्रेंडिंग क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे भी जब एग्जाम अभी नहीं चल रहा है और एग्जाम आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए निश्चित तौर पर, और अपने मेहनत को और तेज कर दीजिए। एग्जाम तो अपने समय पर आएगा भी और एग्जाम पड़ेगा भी, आप रिजल्ट के पीछे न रहे, इसके लिए अग्रिम तैयारी बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 132 नंबर से प्रैक्टिस का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि अगर पहली बार इस चीज पर आप है, इस यूट्यूब चैनल पर आप है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन कंटेंट को बेहतरीन तरीका से खोज कर आते हैं और उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको रिवीजन होने में कोई कठिनाई महसूस न हो। और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो वहां से जरूर ले लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है? ऑप्शन में कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, श्रम या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है, चाहे तो वह कच्चा माल हो, चाहे तो बाजार हो, चाहे तो श्रम व्यवस्था हो, सभी प्रकार के यह अब इस यह जो कारक है, इन सभी कारक को गैर भौगोलिक कारक के अंतर्गत अब स्थिति उद्योग की अब स्थिति प्रभावित करता है। क्लियर? अब जरा इसको डिटेल से सुनने का प्रयास कीजिएगा। गैर भौगोलिक कारक क्या होते हैं? तो ये वे हैं जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारक शामिल होते हैं। ये कारक हमारे आधुनिक उद्योगों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। उद्योगों की अब स्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि, ये सभी प्रमुख होते हैं जिनको प्रभावित किया जाता है। क्लियर? तो इसमें सभी आपका आ गया, कच्चा माल, उपलब्धता, बाजार और श्रम, सभी को शामिल किया जाता है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांट दिया जाता है, पहला है भौगोलिक कारक और दूसरा है गैर भौगोलिक कारक। क्लियर? तो गैर भौगोलिक कारक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था। गैर भौगोलिक कारक के बारे में अगर जल्दी देखेंगे तो इसके कारकों में आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारक को शामिल किया जाता है, जबकि भौगोलिक कारक जो होता है उसमें कच्चे माल को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपये आवंटित कराए गए हैं? केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? 1.04 लाख करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है केंद्रीय बजट में 2022-23 में शिक्षा व्यवस्था के लिए। क्लियर? यह वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से, जब 2021-22 का बजट पेश हुआ था, तो शिक्षा के क्षेत्र में 93,224 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। क्लियर? ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए फ्रेंड्स,
इस जीके जीएस के सीरीज में आपको हरेक सब्जेक्ट जीके जीएस का हरेक सब्जेक्ट से आपको बारी बारी से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक निश्चित रेशियो में देखने को ये मिलेगा जो कि आपको स्क्रीन पर पहले ही आप देख चुके होंगे। कितने सब्जेक्ट्स हम कितने क्वेश्चन देते हैं वो लिखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास करते हैं ताकि सभी सब्जेक्ट से आपको जोड़कर हम लग सके और आपका रिविजन बेहतरीन तरीका से हो सके आगामी एग्जाम के लिए। पीडीएफ लेना नहीं भूलिएगा, बार बार कहते हैं पीडीएफ लेना नहीं भूलिएगा क्योंकि विदाउट सोल्यूशन किया हुआ सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से हम इसे आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो भारतीय द्वीपों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। पहला है मध्य अंडमान, कार निकोबार, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही क्रम में मिलाप अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मध्य अंडमान आता है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जो आता है वो लिटिल अंडमान आता है। क्लियर? क्योंकि आप वैसे विचार वो है मध्य अंडमान, कार निकोबार, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, तो अंडमान निकोबार लिख सकते। ऊपर में अंडमान है यानी उत्तर के साइड में अंडमान है और जैसे जैसे दक्षिण नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे अंडमान की अंडमान से निकोबार की ओर जाते हैं। क्लियर? तो ये तो क्रम आपको याद रहेगा। तो दो दिया हुआ है आपको अंडमान और दो निकोबार दिया हुआ है। क्लियर? तो दोनों निकोबार तो दक्षिण में चला जाएगा, मध्य अंडमान ऊपर में जो हो जाता है वो होता है अंडमान, फिर मध्य अंडमान होता है, फिर लिटिल अंडमान होता है। क्लियर? तो मध्य अंडमान सबसे ऊपर में, दूसरे स्थान पर लिटिल अंडमान होगा, तीसरे स्थान पर जो होगा वो कार निकोबार को शामिल किया जाता है और चौथे स्थान पर ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप होता है। क्लियर? तो आंसर मिलता है 1, 3, 2, 4 यानी पहले मध्य अंडमान, दूसरा में आ जाएगा लिटिल अंडमान, तीसरा में आ जाएगा कार निकोबार और चौथा में आ जाएगा ग्रेट निकोबार। क्लियर? अब जरा कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं इन द्वीपों के बारे में। तो मध्य अंडमान जो है यह भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप समूह भाग के बृहत अंडमान का एक उपभाग द्वीप है। इस अंडमान में माउंट डियावाली स्थित है यानी माउंट डियावाली नामक पर्वत शिखर स्थित है, इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। तो माउंट डियावाली कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। लिटिल अंडमान की बात करें तो यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग होता है जिसे ओंगी भाषा में गाउबो लाम्बे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? गाउबो लाम्बो के नाम से जाना जाता है। अगला है कार निकोबार, यह 10 डिग्री चैनल द्वारा छोटे अंडमान से अलग होता है जिसे कार भाषा में टू के नाम से जाना जाता है। ग्रेट निकोबार जो है यह भारत के निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है जो सुमात्रा के उत्तर में इसी द्वीप पर माउंट थुलियार स्थित है। माउंट थुलियार एक पर्वत शिखर है तो माउंट थुलियार जो है वो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक कल्याण शिखर सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगा? तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो होगा वह उसके सतह के अच्छा या उसके जो सॉरी आयतन में सर्वाधिक विस्तार होता है। अब इसको जरा समझिएगा कि जब किसी गेंद में को गर्म किया जाए या तापमान दिया जाए तो कैसे परिवर्तन होता है। एक लोहे के गेंद को अगर गर्म किया जाता है तो ऐसे स्थिति में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो होगा उसके आयतन में होगा। तापीय विस्तार किसी वस्तु का उसके तापमान में परिवर्तन करने के कारण जो होता है वो आकृति आयतन और क्षेत्रफल में परिवर्तन से गुजरने की एक प्रवृत्ति होती है। क्लियर? यानी जब किसी भी वस्तु को तापमान में परिवर्तन करेंगे यानी तापमान उस पर देंगे या घटाएंगे तो उसके आकृति आयतन और क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है उसे ही तापीय विस्तार कहा जाता है। क्लियर? जब किसी निकाय का तापमान बदला जाता है तो निकाय की लंबाई बदलने की प्रवृत्ति जो होती है जब तापमान देंगे और लंबाई में वृद्धि होगा या कमी होगा तो ऐसे स्थिति में उस निकाय का रेखीय तापीय विस्तार वह कहलाएगा। और जब क्षेत्रफलीय विस्तार होगा तो ऐसे लंबाई और चौड़ाई में अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो उसे रैखिक तापीय विस्तार कहेंगे, लेकिन अगर तापमान बदलेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर जो परिवर्तन हो गया उस वस्तु में तो ऐसे स्थिति में उसे क्षेत्रफल तापीय विस्तार के नाम से जाना जाता है। और जब किसी निकाय का तापमान अगर बदला जाता है, बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो निकाय के आयतन बदलने की प्रवृत्ति जो होती है, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सभी बदल जाएगा, तो ऐसे स्थिति में आयतनिक तापीय विस्तार उसे कहा जाएगा। क्लियर?
अब देखेंगे घनत्व परिवर्तन जो होता है वो आयतन परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए घनत्व में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि होता है। ध्यान रखेंगे घनत्व में किसी भी वस्तु के निकाय में जब तापमान में वृद्धि किया जाए या कमी किया जाए, कोई परिवर्तन किया जाए, तो ऐसे स्थिति में घनत्व में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि होता है और आयतन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक का मिलान सूची दो के साथ करना है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है, दूसरे तरफ किस देश से यह संवैधानिक प्रावधान लिया गया है उसके स्रोत के बारे में चर्चा किया हुआ है। क्लियर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार कहां के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर जो चर्चा करते हैं तो यह ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में चर्चा किया गया है और संघ राज्य संबंध की चर्चा जो है वो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। क्लियर। तो आपका सही आंसर का मिलान जो होगा वो होगा 4, 3, 1 और 2। अब जरा बारी बारी से समझते हैं कि हमारे संविधान के विभिन्न प्रकार के प्रावधान को किस देश से लिया गया है। तो एक तरफ हमने लिखा है देश और दूसरे तरफ संवैधानिक प्रावधान। जरा ध्यान देंगे जल्दी में, अमेरिकी देश से अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात की व्यवस्था, लोक जनहित याचिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो यहां से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से है। क्लियर। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो यहां से एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद का विस्तार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। कनाडा के संविधान की बात करें तो संघात्मक विशेषता, यहाँ से अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय के लिए उत्तरदायी होगा, ये कनाडा के संविधान से जोड़ा गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्रीय एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की चर्चा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत दिया गया है। रूसी संविधान के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इन तीनों न्याय व्यवस्था की चर्चा जो किया गया प्रस्तावना में वो रूस के संविधान से लिया गया है, साथ ही मौलिक कर्तव्य को भी लिया गया। क्लियर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो दिया गया था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिया गया था सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की पहली संधि के तहत, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था जिसका असली नाम अली गौहर था, इसका शासन काल 1769 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा था। इसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया था, जिसके तहत इसने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने के बदले बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को सौंप दिया था। क्लियर। और इसके बदले में 26 लाख रुपया या वार्षिक पेंशन अंग्रेजों से लेता था। क्लियर है। इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब से काला मानिकपुर लेकर जागीर देने का वादा भी किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर रहा, फिर 1765 से 1767 ईस्वी को पुनः बंगाल का गवर्नर बना दो कार्यकाल के लिए। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसे पर्सिवल स्पीयर ने भारत में अंग्रेजी शासन के भविष्य का अग्रदूत की संज्ञा दी है।
इसे बंगाल में वैध शासन की स्थापना के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल शार्क दिए गए ऑप्शन में है, स्टोन फिश, मार्लिन हिल्सा या वेल शार्क। तो सही आंसर होगा वेल शार्क जो है वो भारत की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMID किन दो देशों के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत और USA यानी भारत और अमेरिका के द्वारा क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है जरा ध्यान दीजिएगा, सितंबर में यह शुरू किया गया था भारत और अमेरिका के बीच। भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के दो ट्रैक है, एक है CAFMD और दूसरा रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। ये दोनों ही साझेदारी है भारत और अमेरिका के बीच। यह गठबंधन पेरिस समझौते के वित्तीय पहलुओं को संबोधित करने का अवसर प्रदान करेगा। CAFMD जो है यानी कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है उसके वित्तीय स्तंभ में नवीकरणीय ऊर्जा पर 450 गीगावाट की तैनाती के लिए निवेश संलग्न करने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करना शामिल किया गया है। तो ये भारत और USA की संयुक्त परियोजना है। इनमें से कौन सा कथन इसमें से सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सा कथन सही है? चार कथन दिया हुआ है, कांजली वेटलैंड जो है वो पंजाब में स्थित है। बिल्कुल यह कथन सही है, कांजली वेटलैंड जो है वो पंजाब में कपूरथला में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा जरा कथन पढ़ लेते हैं, चोस बंगाल में पाई जाने वाली एक गहरी अवनालिकाएं है। जी नहीं, चंबल घाटी में पाई जाने वाली अवनालिका होता है चोस बंगाल। क्लियर, सिंध सागर दोआब राजस्थान और पंजाब में स्थित है, ये भी गलत है, और कांड हरियाणा में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। बारी बारी से जरा देखिएगा, तो भारत में पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित है क्या? कांजली वेटलैंड। क्लियर, इसका निर्माण 1870 ईस्वी में भीतरी इलाकों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए ब्यास नदी की सहायक नदी वीएन नदी पर बनाया गया है। क्या? कांजली वेटलैंड। क्लियर, छारी दंड जो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है डी में, छारी दंड अभयारण्य कक्ष के रन में स्थित नखरातन तालुका में फूले गांव के पास स्थित है छारी दंड अभयारण्य। कहां? कच्छ केरल गुजरात में। स्थानीय भाषा में छारी का अर्थ नमकीन होता है और दंड का अर्थ होता है उथला आर्द्र भूमि। तो ये नमकीन उथला आर्द्र भूमि है जिसे छारी दंड के नाम से जाना जाता है, जो कच्छ केरल गुजरात में स्थित है। क्लियर, यहाँ पर दिया हुआ था हरियाणा में, तो ये गलत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सागर दोआब पाकिस्तान में, सिंधु सागर दोआब जो राजस्थान और पंजाब में स्थित है दे दिया था ऑप्शन में, ये गलत है। सिंधु सागर दोआब जो है वो पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित भूमि का मार्ग है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि दो तरफ से मुख्य नदी होती है और बीच में स्थलीय मार्ग होता है दो नदियों के बीच में, उसे ही दो आब कहा जाता है। इन दोनों किनारों पर आब यानी जल का स्रोत होता है, बीच में भूमि होती है। अब नालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है, वे कृषि के लिए उपयुक्त होती है और भारत में चंबल नदी अब नालिका अपर्दन का मुख्य कारण होता है। क्लियर, न कि बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 ईस्वी को पहला भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को छोड़ा गया था एरियन फर्स्ट के द्वारा। क्लियर, भारत के पहले उपग्रह की अगर बात करेंगे तो आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान के द्वारा इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। भारत का चंद्रमा का सफर जो शुरुआत हुआ वो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट के साथ शुरू हुआ था, यानी पहला चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जो है वो 22 जुलाई 2019 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को भेजा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। क्लियर, तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, यानी चंद्रमा का अभियान शुरू किया था भारत ने, जबकि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। भारत का पहला मंगलयान की अगर बात करें तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और भारत के इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य फर्स्ट मिशन लॉन्च करने की तैयारी में जुलाई अगस्त 2023 में ही यह लॉन्च किया गया जाएगा।
आदित्य इल फर्स्ट, सूर्य के अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान माना जाता है? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु के रूप में माना गया था? भूमि को, गाय को, स्त्री को या सोमरस को? ध्यान देंगे, यह ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु के रूप में माना जाता था, क्योंकि गायों के लिए ही गिविष्ट शब्द की चर्चा थी, और गिविष्ट का मतलब होता है युद्ध करना। गाय के लिए, युद्ध करने के लिए गिविष्ट शब्द की चर्चा किया गया था ऋग्वेद में, इसलिए काफी महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु के श्रेणी में गाय को रखा जाता था। ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के द्वारा दो वैदिक काल बना, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है, और 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, ऋग्वैदिक काल जो है उसके प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, जिसे अहन्या अर्थात नहीं मारे जाने योग्य वस्तु की श्रेणी में गाय को रखा गया था। साथ ही गाय को मारने वालों के लिए मृत्यु दंड या देश निकाले की व्यवस्था भी ऋग्वैदिक काल में किया गया था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था जो था उसका आधार पशुपालन था, तथा पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वो गाय होता था। जो जिसके पास जितना ज्यादा गाय होता था उसे उतना ही धनवान माना जाता था। क्लियर? और धनवान को, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होता था उसे धनवान, और धनवान को ऋग्वैदिक शब्द गोमत के नाम से जाना गया है। क्लियर? ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का इस्तेमाल होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय की खोज। ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति करने की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद की स्थापना या उसके समाप्ति करने का विधान की चर्चा किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 168 के तहत अगर देखा जाए तो इसके तहत राज्य के विधान मंडलों का गठन, विधान मंडल का गठन 168 के तहत, विधान परिषद का गठन 169 के तहत। क्लियर? और विधानसभा की संरचना और उसके गठन की चर्चा अनुच्छेद 170 में ध्यान रखेंगे। 168, 169 और 170 में विधानमंडल की व्यवस्था, और विधानमंडल में दो सदन, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, तो विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 में। क्लियर? अनुच्छेद 171 की बात करें तो इसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन किसके बारे में सही है? जरा ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में कथन सही है? चार ऑप्शन, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय और लार ग्रंथि, इन चारों में से किसके बारे में जो कथन दिया हुआ है वो सही है? कथन तीन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसके बारे में कहा गया है? अनुमान लगाएंगे। दूसरा है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिका से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, इसके रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। तो यह बात जो कही गई है तीनों कथन, वो अग्नाशय पैनक्रियाज के बारे में बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि अग्नाशय एक अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन और बहिर्स्रावी यानी नलिका युक्त दोनों प्रकार का ग्रंथि होता है। यह क्षारीय द्रव का स्रावण करता है और इसके रस का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 के बीच होता है। क्लियर? इसे बीटा सेल या अल्फा बीटा एवं गामा डेल्टा सेल का सेक्रीशन का, अल्फा बीटा एवं डेल्टा सेल का सेक्रीशन करता है। क्लियर? बीटा सेल जो होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। यही अगर बीटा सेल में अगर गड़बड़ी हो जाए तो इंसुलिन का स्रावण होना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप डायबिटीज जैसी समस्या हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। दो कथन दिया हुआ है, भारत जलवायु ऊर्जा डैश बोर्ड ICED 3.0 ऊर्जा और जलवायु क्षेत्रों की अंतर दृष्टि और समझ को बढ़ाएगा, पहला कथन है। दूसरा कथन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से इसे विकसित करता है। क्या सही होगा दोनों कथन में से, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 ऊर्जा और जलवायु क्षेत्रों अंतर दृष्टि
और समझ को बढ़ाएगा, यह कथन बिल्कुल ही सही है। यानी कथन एक सही है, लेकिन कथन दो जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से विकसित करता है, यह गलत बात है। यानी कि यह जो भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 ऊर्जा जलवायु क्षेत्रों की अंतर्दृष्टि और समझ को बढ़ाता है, वह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से इसे विकसित करता है। जी नहीं, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्लियर? तो कथन एक सही हो जाएगा, कथन दो गलत हो जाएगा। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हाल ही में नीति आयोग ने भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। क्लियर? यह सरकार द्वारा प्रकाशित तो स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटाबेस पर आधार वास्तविक समय के डेटा के लिए भारत का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इसे नीति आयोग द्वारा ऊर्जा और जलवायु थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। दोनों के द्वारा, नीति आयोग द्वारा और नीति आयोग द्वारा ऊर्जा और जलवायु थिंक टैंक वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया। क्लियर? यह उपयोगकर्ताओं को एक विश्लेषणात्मक इंजन का उपयोग करके डेटा सेट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। ICED जो है वह जलवायु कार्यवाही की प्रगति को ट्रैक करने के लिए इन बिल्ट एनालिटिक्स के साथ निकट वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। इसलिए कथन एक सही है और कथन दो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है? ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया था वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, भांग की खेती को कंट्रोल करने के लिए या उसको अवैध घोषित करने के लिए। आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य में भांग की खेती पर नकल कसने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत किया था 31 अक्टूबर 2020 को। इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष परिवर्तन ब्यूरो SEP के साथ मिलकर अभियान को शुरू किया था। कब? 31 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलथर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलथर मिट्टी के बारे में सही कथन की आपको पहचान करना है। क्लियर? बलथर मिट्टी के बारे में जरा समझिएगा क्या दिया हुआ है कथन में। तो बलथर मिट्टी कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच एक सरकारी पट्टी में पाई जाती है, यह बलथर मिट्टी के बारे में बिल्कुल ही सही है। यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक सरकारी पट्टी में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, बिल्कुल ही सही कथन है। दूसरा, यह उपजाऊ होती है, इसकी अवशोषण क्षमता उच्च होती है, बिल्कुल ही नहीं। बलथर मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होता है क्योंकि बाढ़ के द्वारा विभाजन मिट्टी का कर दिया जाता है जिसके कारण से उपजाऊ नहीं रह पाता है। एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण मृदा लाल रंग की होती है। जी नहीं, पीली लाल होती है, पीलापन लिए हुए लाल होता है, पीली लाल नहीं होता है, पीलापन लिए हुए लाल मृदा होता है बलथर मृदा। क्लियर? यह चावल गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ही नहीं। कपास, जौ, जूट इत्यादि के लिए यह काफी उपयुक्त होता है यह मिट्टी। अब जरा समझिएगा, बलथर मिट्टी गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार उत्तरी सीमा के मध्य का संकीर्ण पट्टी नुमा क्षेत्र में पाया जाता है। यह पीलापन लिए हुए लाल रंग की अम्लीय प्रकृति ध्यान देंगे, अम्लीय प्रकृति वाला कम उर्वरक क्षमता वाला मृदा होता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से आलू, ज्वार, बाजरा तथा अरहर की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणता संचारित की जाती है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे किसके द्वारा संचारित की जाती है? जरा ध्यान दीजिएगा, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में इसे संचारित की जाती है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगों को। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे जो होती है वो साधारणता अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। इसकी आवृत्ति परिसर 300 मेगाहर्ट्ज और 3 गीगाहर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य परिसर इसका होता है 1 मीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक। क्लियर? परा उच्च आवृत्ति यानी UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को डेसी मीटर पट्टी या तरंग भी कहा जाता है क्योंकि इनकी तरंग 10 से 1 डेसी मीटर की होती है। परा उच्च तरंगों का उपयोग टीवी और रेडियो प्रसारण और चैनल प्रसारण के लिए किया जाता है। भू तरंगों का उपयोग, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, भू तरंग का उपयोग कम आवृत्ति 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज रेंज ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, जबकि आकाश तरंग का उपयोग जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसका उपयोग मध्यम आवृत्ति जो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज रेंज के तरंगों के ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किऊल नदी कहाँ से निकलती है?
किऊल नदी जो है वो तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला झारखंड से निकलती है किऊल नदी। क्लियर। किऊल नदी गंगा की सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के खड़गडीहा थाना क्षेत्र के तीसरी पहाड़ी श्रेणी से होती है। किऊल नदी कुछ दूरी तक जिला की सीमा बनाने के बाद यह सत पहाड़ी के पास एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से बिहार के जमुई जिला में पहली बार प्रवेश करती है और बिहार के जमुई और लखीसराय जिला में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्लियर। जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में, नेतृत्व में नहीं, तो ध्यान देंगे नेतृत्व में जो था वो मोतीलाल नेहरू था। क्लियर। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। जरा देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन पंडित मोतीलाल नेहरू के देखरेख में किया गया था। यानी नेतृत्व की बात करेगा तो पंडित मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, और अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता। क्लियर। पहले पंडित जगत नारायण मुल्ला से बचाव पक्ष का वकील बनने का आग्रह मोतीलाल नेहरू ने किया था, लेकिन उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर गोविंद बल्लभ पंत को बचाव पक्ष का अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात का प्रमाण काकोरी कांड में उम्र कैद की सजा प्राप्त क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी की आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम से मिलता है। काकोरी रेल डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एट डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिश्नोई के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। इसी घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची में राज्य क्षेत्र की चर्चा? अनुसूची पहली अनुसूची में राज्य के नाम और उसके सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। क्लियर। जिसमें कहा गया पहली अनुसूची में कि भारत के कुल घटक 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान समय में 8 है, उनके क्षेत्रों की सूची पहली अनुसूची में दर्ज है। दूसरी अनुसूची में इसके तहत भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण करने की चर्चा, यानी इसके तहत विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि द्वारा पद शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि की चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में ध्यान देंगे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को विशेष प्रावधान के तहत संरक्षित किया गया है। क्लियर। पांचवी अनुसूची के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करने के लिए एक तरफ समिति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य दिया हुआ है। कौन से समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, इसके बारे में चर्चा किया गया है या मिलान हमें करना है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, पी के मोहंती समिति जो है वो ध्यान दीजिएगा तो बड़े NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बैंक के रूप में परिवर्तन होने से संबंधित समिति था, पी के मोहंती समिति। दूसरा है केबी कामत समिति जो है वो ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करने से संबंधित है। क्लियर। एक तरफ समिति का समिति दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका उद्देश्य दिया हुआ है, और मिलान करना है केपी के मोहंती समिति जो कि बड़े NBFC बैंक के रूप में, बड़े NBFC का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बैंक के रूप में परिवर्तन होने से संबंधित है, पी के मोहंती मिलान होगा। क्लियर।
के बी कामत समिति का संबंध जो है वो ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करने से संबंधित है, जबकि तीसरा प्रवीण कुटुंबे समिति जो है वो है बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRBAI का गठन किया गया है, जबकि जस्टिस BP कटके समिति का संबंध असम गैस रिसाव से संबंधित है। तो ऑप्शन मिलता है 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान बारिश होता है? तमिलनाडु, सर्वाधिक सर्दियों के दिनों में सर्वाधिक बारिश जो होता है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर समुद्र तटीय भारत जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाड़ों के दिनों में वर्षा जो होती है वो लौटती हुई मौसम, जिसे उत्तर पूर्व मौसम कहा जाता है, जबकि सर्दियों के मौसम में वही अगर देखा जाए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है और यह रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। भारत में वैसे बात किया जाए ओवरऑल सर्वाधिक बारिश किस मौसम से होती है, तो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो तीनों चीज याद रखेंगे, लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़े के दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में बारिश होती है जाड़े के दिनों में, जबकि भारत में ओवरऑल सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं किया गया है? तो देखिएगा, फुलरीन्स है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, क्या फुलरीन्स में फ्लोरीन होता है? गलत बात है, यही सही मिलान नहीं किया हुआ है। फुलरीन्स में यह कार्बन के अपरूप होते हैं जिसमें 60 कार्बन जो होते हैं वो षट्कोणीय संरचना बनाती हुई फैली हुई होती है, क्लियर। दूसरा है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कैरोटीन है मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो आंखों के लिए काफी उपयुक्त होता है। मस्टर्ड गैस है रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे प्रेप्च विधि में एथिलीन के साथ सल्फर डाइक्लोराइड के साथ उपचार द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भक्ति संतों का सही क्रम बताना है आपको, भक्ति संतों का नाम दिया हुआ है और उनका क्रम बताना है सही से, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुरु नानक देव थे, ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इनकी वाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जन्म जो हुआ था इनका अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। तुलसीदास की बात करें, दूसरे स्थान पर आते हैं, तुलसीदास क्रम के अनुसार दूसरे स्थान पर आएंगे। तुलसीदास 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी तक, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, देहावली, गीतावली, रामलला, नचू तथा बरवे रामायण की रचना किए थे। ये अकबर एवं राणा प्रताप के समकालीन थे। तीसरे स्थान पर क्रम के अनुसार संत तुकाराम को रखा जाता है। ये महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। 1598 ईस्वी में इनका जन्म और 1650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। ये पारकरी संप्रदाय के महाराष्ट्र के संत थे। इनकी शिक्षाएं अभंग में संकलित है, ध्यान रखेंगे, संत तुकाराम की शिक्षाएं जो है वो अभंग नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है और संत तुकाराम की शिष्य जो थी वो बहनाबाई हुई, क्लियर। रामदास ये भी महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ, 46 ईस्वी तक ये रहे। ये महाराष्ट्र के धरकरी संप्रदाय, ध्यान देंगे, महाराष्ट्र के ये धरकरी संप्रदाय के संत तथा शिवाजी के गुरु थे। इनकी पुस्तक दास बोध है, क्लियर। तो सही मिलान होगा, सबसे पहले गुरु नानक देव, उसके बाद तुलसीदास, तब संत तुकाराम और उसके बाद संत रामदास महाराष्ट्र के, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टाने पाई जाती है? धारवाड़ की चट्टाने बिहार के किस जिला में पाई जाती है? तो मुंगेर जिला में धारवाड़ चट्टाने सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि धारवाड़ की चट्टाने बिहार के दक्षिण पूर्व भाग, मुंगेर में, जमुई में, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि में पाई जाती है। धारवाड़ की चट्टाने मूलतः आग्नेय चट्टाने होती है और इसका निर्माण मूलतः अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। विंध्यन श्रेणी की चट्टाने की अगर बात करें तो रोहतास और कैमूर जिला में पाई जाती है। बिहार में, बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी से निर्मित चट्टाने पाई जाती है और शिवालिक श्रेणी की चट्टाने जो है वो बिहार के चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कौन से स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष पर हुआ था? प्रथम स्पीकर थे जी वी मावलंकर, लोकसभा के पहले स्पीकर पर ही पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था लोकसभा में। और यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जे बी कृपलानी के द्वारा 18 दिसंबर 1954 को लाया गया था। दोनों चीज याद रखेंगे, क्लियर। किसने लाया? जे बी कृपलानी ने कब 18 दिसंबर 1954 को लाया। प्रथम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ, क्लियर। हालांकि यह पारित नहीं हो पाया, यह रद्द हो गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत शयनम आयंगर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो थे जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर पहली बार एज अ प्रधानमंत्री सबसे पहली बार जेबी कृपलानी नहीं, गणेश वासुदेव मावलंकर पर भी जेबी कृपलानी नहीं और जवाहरलाल नेहरू पर भी जेबी कृपलानी नहीं 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, क्लियर। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित लाया गया था, क्लियर। भारत के अब ये लाया तो गया जवाहरलाल नेहरू पर लाया गया, प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जिन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और पूरी तरीका से सफल भी हुआ था। यह मात्र एक मत से अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हो गए थे और यह हार गए थे और इनका सरकार गिर गया था। जब किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री पर सत्ता दल के प्रधानमंत्री पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तकनीकी वस्त्रों के लिए मानक और विनियमनों पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कपड़ा मंत्रालय ने मित्र NITRA नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और ITTA इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ साझेदारी में तकनीकी वस्त्र प्रोटेक पर राष्ट्रीय कंक्लेव का आयोजन किया और इस कंक्लेव के उद्घाटन मुख्य अतिथि सुश्री रचना शाह कपड़ा सचिव कपड़ा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा किया गया, क्लियर। यह भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्रालय में सचिव है सुश्री रचना शाह जिनके द्वारा ही इस कंक्लेव का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मुद्रा स्फीति फायदेमंद होता है किसको? देनदार को फायदेमंद होता है, जो ऋण ले चुका है और ऋण वापस कर रहा है उसको ज्यादा फायदा होता है मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति की अवस्था क्या होती है जरा इसको समझिएगा। जब किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति को ही मुद्रा स्फीति कहा जाता है। मार्केट में मुद्रा का फैलाव मुद्रा स्फीति कहलाता है, जिसके कारण से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसी स्थिति को ही मुद्रा स्फीति कहा जाता है, क्लियर। अब अगर उच्च मुद्रा स्फीति है तो ऐसे स्थिति में ऋणदाता किसी को उधार अगर देता है तो मुद्रा स्फीति के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि मार्केट में मुद्रा अधिक हो गया। मुद्रा स्फीति का मतलब मार्केट में मुद्रा फैल गया जिसके कारण से मुद्रा का वैल्यू कम गया और वस्तु का दाम बढ़ गया, क्लियर। तो रुपये का मूल्य कम हो गया जिससे ऋणदाता जो है यानी लेनदार जो है उसको मुद्रा स्फीति से हानि हो जाएगी। जो ऋण दिया था और वह अब लेगा वापस उसको हानि हो जाएगी क्योंकि उसका मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? कम गया। तथा ऋणी जो होगा लेनदार जो होगा वो ऐसे स्थिति में लाभ अर्जित कर लेगा, क्लियर। मुद्रा स्फीति की अवस्था में निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। साधारणतः अगर देखा जाए तो 3 से 5% की मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है, इसके प्लस अगर गया है तो फायदेमंद नहीं होता है। मुद्रा स्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, आप चाहे तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसान क्यों न हो। जब मुद्रा स्फीति होगा तो उत्पादक वर्ग और उद्यमी वर्ग जो होंगे उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती है तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति से उद्यमी तथा उत्पादक वर्ग को फायदा हो जाता है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वह किस नाम से जानी जाती है? तो वह यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। यूजेनिक्स किसे कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सुजनानकी, हिंदी में इसे कहा जाता है सुजनानकी। यूजेनिक्स सुजनानकी जो होता है वह विधि होता है जिसके द्वारा भावी मानव पीढ़ी को अनुवांशिक आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। सुजीवनिकी यानी यूथेनिक्स क्या होता है, तो यह विज्ञान निवास और अन्य मानवीय वातावरण में बदलाव करके मानव जीवन के स्तर को सुधारने के अध्ययन होता है जिसमें अपने वातावरण के मनुष्य पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण और समीक्षा किया जाता है। इथनोलॉजी जो होता है जिसे हिंदी में नृप विज्ञान कहा जाता है क्या होता है, तो यह एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसका प्रयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किया जाता है। यूथेनिक्स की बात किया जाए तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार किया जाता है। क्लियर, अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी अनुवांशिकी टेक्नोलॉजी जेनेटिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सदोष जो अनुवांशिकता उत्पन्न हो गया उसको उपचार किया जाता है यूथेनिक्स के तहत। ठीक है, तो सभी की चर्चा हमने कर लिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो वो कौशाम्बी से संबंधित है। जरा देखिएगा ये दंत कथा क्या कहता है। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा वत्सराज उदयन और उज्जैन की राजकुमारी वासव दत्ता के प्रणय कथा का वर्णन करता है। इसका संबंध कौशाम्बी से है। क्लियर, इसका कथन जो है, इसका जो संबंध है वो कौशाम्बी से है। इस दंत कथा के अनुसार अवंती के राजा चंद प्रध्वत की पुत्री वासव दत्ता और वत्स उदयन के बीना वादन, जो वत्सराज थे उदयन, उनके बीना वादन, जो इनके बीना का नाम था वो घोषवती बीना था, घोषवती बीना बजाते थे, तो ये इतने सुंदर बीना बजाते थे कि इससे मोहित हो गई वासव दत्ता जो चंद प्रध्वत की पुत्री थी अवंती के राजा के। क्लियर, और इतना मोहित हुई कि एक दूसरे के बीच प्रेम हो गया और प्रेम करने के कारण वो एक दूसरे से विवाह तक कर लिए। इस प्रेम प्रसंग का उल्लेख स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक में भास के द्वारा लिखा गया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख और ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है जिसमें वत्स एक महाजनपद था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। मगध की राजकुमारी पद्मावती का विवाह भी उदयन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में IMF ने भारत की 2023 GDP वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? तो वो 6.1% तक रहने दिया है, बरकरार रखा है। IMF ने 2022-23 में 6.1% GDP रहने का अनुमान जताया है जो कि भारत सरकार और RBI के अनुमान से कम है। RBI ने मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है। वही IMF ने कितना लगाया है, 6.1%। IMF ने 2024 के लिए विकास दर का अनुमान 6.3% बरकरार रखा है। इससे पहले फिच रेटिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3% का किया गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा जिसे नैरो मनी कहा जाता है? तो नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा के घटक नहीं होते हैं। नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा क्या होता है, जो बैंकों के पास हम लोग जमा रखते हैं ना, उसी को कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा। आप चाहे तो वह चेक के रूप में हो, चाहे तो ड्राफ्ट के रूप में हो, इसके अलावा चाहे तो वह कैश के रूप में हो, इन सभी को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। इसके अंतर्गत करेंसी को, डिमांड डिपॉजिट को, सिक्का को, ये सभी को संकीर्ण धन या संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। RBI द्वारा 1977 में गठित मुद्रा आपूर्ति के द्वारा कार्य दल के समूह की अनुशंसा के आधार पर आरक्षित मुद्रा दर MO के आकलन M1, M2, M3 और M4 के रूप में प्रकाशित किया है। मुद्रा के चार स्तर को दर्शाया गया RBI के द्वारा 1977 के तहत M1, M2, M3 और M4 के तहत। M1 और M2 को संकीर्ण धन के रूप में जाना जाता है, संकीर्ण धन या नैरो मनी। क्लियर, तथा M3 और M4 को व्यापक मनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ संकीर्ण मुद्रा के घटक नहीं है पहचान करना, बैंकिंग प्रणाली के साथ मांग जमा ये तो शामिल है, क्योंकि जितना भी बैंकिंग प्रणाली में जमा मांग है वो सभी को नैरो मनी कहा जाता है। जनता के पास मुद्रा, इसको भी नैरो मनी कहा जाता है। बैंक द्वारा जारी बचत पत्र जो होता है ना, वो नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा नहीं होता। हम संकीर्ण मुद्रा का एक ही मतलब याद रखेंगे, जो कैश के रूप में या सिक्का के रूप में, करेंसी के रूप में, डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंकों में जमा किया जाता है, ये जनता के पास मुद्रा है, उसे नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। क्लियर, अब जरा समझिएगा M1 क्या है।
तो लोगों के पास करेंसी यानी कि नोट सिक्का प्लस जो पैसा बैंक में जमा है करंट या सेविंग अकाउंट में प्लस आरबीआई के साथ अन्य जमा हो, इस सभी को M1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। M2 क्या है? तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमाए ओनली डिमांड डिपॉजिट, केवल डिमांड डिपॉजिट। तो M1 को और पोस्ट ऑफिस में जमाए जो डिमांड डिपॉजिट है उसको M2 में शामिल किया जाता है। M3 में M1 प्लस बैंकों के साथ समय जमाए यानी टाइम डिपॉजिट, M4 जो होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमाए, पोस्ट ऑफिस में जमाए में कौन कौन शामिल होता है? टाइम डिपॉजिट यानी क्वेरिंग डिपॉजिट, इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ दिया जाता है इसमें, क्लियर M4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। वैसे न्यूट्रॉन एक उप परमाणविक कण होता है जो सभी प्रकार के पदार्थों के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। न्यूट्रॉन एक जल विद्युत दासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67493 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ना वो प्रोटॉन के साथ मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। जेम्स चैडविक ने अपने प्रयोग द्वारा 1931 में परमाणु के नाभिक में इस कण की खोज की यानी न्यूट्रॉन की खोज की, जिन्होंने इसे न्यूट्रॉन नाम दिया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है, ट्राइटियम जिसे टी के द्वारा भी सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? अब एक चीज ध्यान रखिए, जर्मन सिल्वर नाम तो सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, क्लियर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। जर्मन सिल्वर में कुछ प्रमुख मिश्र धातु का नाम है और उसका संगठक है यानी कितने अनुपात के रूप में हुआ पता हुआ है। जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। तांबा का प्रतिशत जर्मन सिल्वर में 60% होता है, जस्ता का प्रतिशत 20% होता है और निकेल इसके 30% होता है। पीतल की बात करें तो यह एक मिश्र धातु होता है जिसमें कॉपर यानी तांबा 70% और जिंक यानी जस्ता 30% होता है। कांसा की बात करेंगे तो यह भी एक मिश्र धातु होता है जिसमें कॉपर 88% और टीन 12% होता है। टांका जो होता है वो सीसा और टीन से मिलकर बना होता है, जिसमें सीसा 50-70% के अनुपात में और टीन जो होता है वो 30-50% के अनुपात में पाया जाता है। मुद्रा धातु जो होता है इसमें सीसा टीन और PB, SB और SN इसमें पाया जाता है, क्लियर। जिसमें मुद्रा धातु में PB जो होता है वो 75%, SB जो होता है वो 20%, SB होता है, क्लियर। 20% SB होता है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे SN 5% के रूप में रखा जाता है इसमें मुद्रा धातु में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ध्यान देंगे, बेल मेटल में कॉपर 80% होता है और SN 20% होता है। डच मेटल जो होता है वो कॉपर 80% और ZN 20%। रोज मेटल जो होता है उसमें BSF 50%, PB यानी सीसा 28% और SN जो होता है वो होता है 22%। मोनल मेटल के अंतर्गत कॉपर और निकल को रखा जाता है जिसमें कॉपर 70% और निकल 30% होता है। अच्छा, इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका कि कौन जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है, तो कॉपर, जस्ता और निकल, कॉपर, जस्ता और निकल को शामिल किया जाता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़ा हुआ था? सरकारिया आयोग से नहीं जुड़ा हुआ था वो कौन था? तो ध्यान देंगे इसमें OB अलगेशन जो थे वो सरकारिया आयोग से जुड़े हुए नहीं थे। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने 9 जून 1983 में किया था। इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 1988 में सौंपा था। यह 3 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह सरकारिया तथा अन्य सदस्य श्री बी शिवारमन और डॉक्टर SR सेन थे, क्लियर। सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी। ये सिफारिशें केंद्र और राज्य के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित थी। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण 1990 ईस्वी में
अंतर राज्य परिषद का गठन का सिफारिश भी सरकारी आयोग के द्वारा ही किया गया था। सरकारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद के नाम से प्रस्तावित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में इनमें से कौन रैयत वाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है। रैयत वाड़ी बंदोबस्त का जनक जो है वो थॉमस मुनरो को जाना जाता है। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में सर्वप्रथम लागू किया था। क्लियर। अब देखेंगे रैयत वाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू किया गया था। थॉमस मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी के बीच पूरे मद्रास पर लागू कर दिया। क्लियर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भाग पर यह रैयत वाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ध्यान देंगे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयत वाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो एल्फिंस्टन ने 1825 ईस्वी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयत वाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, जबकि मद्रास में थॉमस मुनरो को जाना जाता है और थॉमस मुनरो को ही रैयत वाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। रैयत वाड़ी व्यवस्था प्रारंभ में 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। इस व्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान लगा लिया जाता था और उसका आधा जो है वो राजस्व के रूप में जमा कर देना पड़ता था। क्लियर। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बताया था, भू राजस्व वसूलने का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यह 23 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग का 19% भूमि पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था का जनक सर जॉन सोर को माना जाता है। महाल वाड़ी व्यवस्था भू राजस्व की ही व्यवस्था थी। महाल का मतलब होता है नगर, मोहल्ला, शहर, कस्बा। तो एक नगर, मोहल्ला या कस्बा के लिए वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधी। महाल का मतलब ध्यान रखेंगे, महाल का मतलब होता है महल, कस्बा, मोहल्ला, ये सभी होता है। और बाड़ी का मतलब क्या होता है, बाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन। ध्यान रखिए प्रबंधन होता है। तो महल या कस्बा या मोहल्ला में भू राजस्व का प्रबंधन करना महल वाड़ी व्यवस्था कहलाया। इसका जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। यह पूरे भूभाग ब्रिटिश भूभाग के 30% भाग पर लागू किया गया था। इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था क्या था, तो 1772 ईस्वी में बारे में हेस्टिंग्स के द्वारा इसे लागू किया जाता था। इसे भूमि को ठेका पर दे दिया जाता था। क्लियर। और ठेका पर दे देने के बाद एक निश्चित समय में उसे टैक्स में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, तो लेजर बीम जो होता है वो मुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूक्शन के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर लेजर बीम पर युक्त होता है। एक छोटा लेजर बीम जिसे सेमी कंडक्टर डायोड लेजर भी कहा जाता है, सीडी पॉलीकार्बोनेटेड के बने होते हैं, जिसके अंदर दो चीजें होती है जिसे किसी सीडी को पढ़ने में सक्षम बनाती है। सीडी में डेटा को एक बार राइट किया जाता है और इसे कई बार रीड किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन LTRO के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन पढ़ेंगे, यह एक उपकरण है यानी LTRO जो है वो एक उपकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक बैंकों को 1 साल से 3 साल तक पैसा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। प्रचलित रेपो दर का उपयोग यह LTRO करता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य अल्पकालिक ब्याज दरों को नीतिगत दर से बहुत दूर जाने से रोकना होता है, ये भी सही है। तो इस दिए गए ऑप्शन में सभी कथन जो है LTRO के बारे में सही है। अब यह LTRO क्या है जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या आरबीआई द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन का एक ऐसा उपकरण होता है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचालित रेपो दर पर बैंकों को 1 साल से अधिक साल तक 1 लाख करोड़ तक का ऋण प्रदान करता है। आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के माध्यम से बैंकों को उनकी तत्काल जरूरत के हेतु 1 से 28 दिनों के लिए रेपो मुहैया कराता है, यही LTRO के तहत यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत। LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बॉन्ड मार्केट में अल्प अवधि की प्रतिभूतियां जैसे कि 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए यील्ड कर्व करने में मदद करता है। LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो होता है वो एक ऐसा उपकरण है जिसे बाजार सहभागियों को उम्मीद है कि बैंक अल्पकालिक ब्याज दरों को कम करेंगे तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को बढ़ावा देंगे।
LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है उसको देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए आरबीआई बाजार में आसान उपलब्ध कराकर देश के विकास में वृद्धि करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाने के लिए चयनित होने वाला पहला शहर था? भागलपुर था। बिहार का भागलपुर पहला स्मार्ट सिटी विकसित होने वाला पहला राज्य पहला जिला के रूप में पहला शहर के रूप में इसे चयनित किया गया था। क्लियर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ को विकसित किया जा रहा है। चार शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ को विकसित किया जा रहा है। 25 जून 2015 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन को मुख्य उद्देश्य जो है वो 100 शहर को स्मार्ट शहरों में बदलना, यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। ध्यान देंगे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसको स्मार्ट सिटी मिशन योजना को, यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने की अनुमति देकर संचार की अनुमति देता है? वो है इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ पाता है और डेटा को आदान प्रदान किया जाता है। सर्वर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो क्लाइंट नामक अन्य प्रोग्राम या डिवाइस के लिए कार्यक्षमता प्रदान करता है। क्लाइंट की बात करें तो एक कंप्यूटर है जो रिमोट कंप्यूटर या सर्वर के संसाधनों को जोड़ता है और उपयोग करता है। एक घटक जो है एक सॉफ्टवेयर वस्तु है जिसका उद्देश्य अन्य घटकों के साथ बातचीत करना है। स्तरीय आर्किटेक्चर क्या होता है? तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक प्रकार होता है जिसमें कार्य भौतिक रूप से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम राज्य, जो प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था 1998 ईस्वी में सिक्किम राज्य। जबकि देखा जाए दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है जो सुपर मार्केट में प्लास्टिक बैग उत्पाद के मामले में प्रतिबंध लगाया है? वो है न्यूजीलैंड। ध्यान रखेंगे यह कदम 1 जुलाई 2023 को न्यूजीलैंड के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव तत्व का प्रारंभ किया गया था? ध्यान देंगे चुनाव तत्व का प्रारंभ पहली बार 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में लागू किया गया था। क्लियर। इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत तथा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर इन्हें सामान्य विषय जैसे कि राजस्व एवं व्यय पर बजट राजस्व एवं व्यय या फिर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का पूछने को शक्ति प्रदान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल तथा गवर्नर जनरल को विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया। साथ ही बजट पर पूर्ण वाद विवाद का अधिकार दिया गया। क्लियर। भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति तथा प्रांतों में वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख का दृश्य प्रकाश को जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। कैसे जरा समझिएगा, मानव आंख का दृश्य जो होता है प्रकाश के 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के साथ सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्यों? क्योंकि मानव आंख हरे रंग के प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और हरे रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो 5×10⁻⁷ से लेकर 5.7×10⁻⁷ अर्थात 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर। दृश्य स्पेक्ट्रम जो बैंगनी जो तरंग का होता है उसका जो एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में मान होता है वो 400 होता है, अर्थात एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 4000 हो जाता है। लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य 780 नैनोमीटर है और इसी को अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्लियर। तो इसके बीच 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस दृश्य स्पेक्ट्रम को खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। देखेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम जो था उसके तहत श्वेत प्रकाश को जब गुजारा गया तो 7 रंगों में विभाजित हुआ था, लाल से लेकर बैंगनी तक। लाल रंग सबसे ऊपर में था जिसका एंगस्ट्रॉम में अगर मान देखा जाए तो 7800 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्ध्य था, वही 780 नैनोमीटर था। क्लियर। और अगर देखा जाए तो दृश्य स्पेक्ट्रम बैंगनी रंग का जो था तरंग दैर्ध्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम था, सबसे कम
बैंगनी रंग का तरंग ध्वज होता है, सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंग ध्वज होता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील हमारा आंख होता है हरा रंग के प्रति होता है, जिसका तरंग ध्वज 5:10-7 से लेकर 5.7 तथा 5500 इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे ज्यादा 5500 इलेक्ट्रॉन आंख के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने ग्राम उजाला योजना का उद्घाटन आभासी रूप से किया है? आरा में, ऑप्शन नंबर डी आरा में किया गया है। ग्रामीण उजाला योजना मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में एनर्जी एफिशिएंसी को पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से 10 रुपये में 1 LED प्रदान किया जाएगा, जिससे कि बिजली की खपत में कमी होगी और पैसे की बचत होगी। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और इसके जीवन स्तर में सुधार आएगा। ग्राम उज्ज्वला योजना जो है वो बिजली मंत्रालय के द्वारा 5 फरवरी 2015 को शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। ग्राम उजाला योजना जो है वो बिजली मंत्रालय के द्वारा 5 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया था, जिसमें 5 जिला बिहार के आरा जिला, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिला, महाराष्ट्र के नागपुर जिला और पश्चिमी गुजरात के गाँव में शुरू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP क्रम से संचार और डेटा सिग्नलों को स्थानांतरित करने के लिए पोर्ट नंबर जो है कितना और कितना, यानी कि संचार के लिए कितना और डेटा सिग्नल के लिए कितना पोर्ट नंबर जारी किया जाता है? तो ध्यान देंगे, डेटा सिग्नल के लिए जो है वो 20 पोर्ट नंबर को जारी किया जाता है। ध्यान देंगे, FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह एक मानक संचार प्रोटोकॉल होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। FTP जो है वो दो पोर्टल नंबर, एक 20 को और दूसरा 21 को उपयोग करता है, जिसमें पोर्ट 20 का उपयोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए 20 पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पोर्ट 21 का उपयोग दो कंप्यूटर के बीच सिग्नल को संचार करने के लिए 21 पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है, 21st पोर्टल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। FTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जो HTTP की तरह ही TCP के शीर्ष पर चलता है और क्लाइंट और सर्वर के बीच पृथक नियंत्रण और डेटा संबंधन का उपयोग करता है। क्लियर। तो सही आंसर जो होगा वो 21 और 20 हो जाएगा, क्योंकि 21 नंबर पोर्ट जो है वो संचार के लिए और 20 नंबर पोर्ट डेटा सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URI का क्या अर्थ होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, URI का पूरा रूप। यह प्रत्येक संसाधनों के लिए विशिष्ट एड्रेस है जो वेब पर स्थित होता है, इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में भी जाना जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी URL को जाना जाता है, URI को ही। क्लियर। URL के नाम से URI को ही जाना जाता है। URI का पूरा रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है और इसी को URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। हर वेब पेज का एक विशिष्ट URL होता है, जैसे http://www.india.com, यह एक प्रकार का URL है। क्लियर। अब देखेंगे, URL केवल डोमेन नाम ही नहीं है, बल्कि इसमें अन्य जानकारी भी शामिल है जो एक विशेष एड्रेस को पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से नहीं निर्मित हुआ है? कौन सा है इसमें से? हरा रंग का निर्माण जो है वो दो रंगों के प्राथमिक रंगों के मिलने से संयोजन नहीं हुआ है। जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, RBG रेड ब्लू और ग्रीन, अगर प्राथमिक रंग का है वो तीन गो, रेड यानी कि लाल, दूसरा है ब्लू यानी कि नीला और तीसरा ग्रीन यानी कि हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग है। अब दो प्राथमिक रंग के मिलने से जिस रंग का निर्माण होता है उसे द्वितीय रंग कहा जाता है। क्लियर। उसे द्वितीय रंग कहा जाता है। प्राइमरी कलर जो है वो है लाल, नीला तथा हरा, ये कौन सा है? प्राथमिक रंग है। जबकि द्वितीयक रंग जो है वो कौन सा है? तो दो प्राथमिक रंगों के मिलने से जिस रंग का निर्माण होता है उसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है। जैसे रेड और ब्लू दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? मैजेंटा यानी सियान बनेगा। क्लियर। इसके अलावा ब्लू और ग्रीन जब आपस में मिलेगा तो मैजेंटा बनेगा जब रेड और ब्लू मिलेगा तो।
और जब ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो सियान रंग बनेगा। क्लियर? तो आप इतना ध्यान रखेंगे, प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है। लाल लाल प्राथमिक रंग और नीला प्राथमिक रंग, इन दोनों प्राथमिक रंगों के मिलने से जिस रंग का निर्माण होता है, या किसी भी दो प्राथमिक रंगों के मिलने से जिस रंग का निर्माण होगा, उसे द्वितीयक रंग कहा जाएगा। क्लियर? तो रेड एंड ब्लू जब आपस में मिलेगा तो मैजेंटा बनाएगा, जो कि एक द्वितीयक रंग है। ब्लू और ग्रीन जब आपस में मिलेगा तो सियान पीकॉक ब्लू बनाएगा, पीकॉक ब्लू बनाएगा, जिसे सियान कहा जाता है। और रेड और येलो जब आपस में, रेड और ग्रीन आपस में मिलेगा तो येलो रंग का निर्माण होता है, जो कि द्वितीय कलर है। अब ध्यान देंगे, पूरक कलर किसे कहा जाता है? पूरक कलर, कंप्लीमेंट्री कलर। कलर तीन प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंप्लीमेंट्री कलर। क्लियर? पूरक कलर, पूरक कलर किसे कहा जाता है? तो पूरक होता है जब जिन दो रंगों के मिलने से सफेद रंग का निर्माण हो जाए, उसे एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जैसे रेड और पिकॉक ब्लू, इन दोनों के मिलने से व्हाइट रंग का निर्माण हो जाता है, तो रेड कलर जो है वो पिकॉक ब्लू का पूरक कलर हुआ, क्योंकि इन दोनों के मिलने से, एक दूसरे के मिलने से व्हाइट रंग मिल गया, जो मूल रूप से मौजूद है हमारे प्रकृति में। तो जिन दो रंगों के मिलने से मूल रंग का निर्माण, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले व्हाइट रंग का निर्माण हो गया, तो उसे एक दूसरे का पूरक कहा जाएगा। जैसे ब्लू का पूरक कौन हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ग्रीन का पूरक कौन हो जाएगा? मैजेंटा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ हुआ था वस्त्र के, संगत सभ्यता से प्राप्त सूती वस्त्र के अवशेष से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे, अर्थात संगत सभ्यता के निवासी कपास की खेती करना जानते थे। भारत का प्राचीनतम कृषि आधारित उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग ही है। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तथा यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा, जो सिंधु का यूनानी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? आप देखेंगे, चूंकि 2022 से लेकर दिसंबर 2022 में ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को दे दी गई है, एक साल तक भारत के पास ही रहेगा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपको पहले वाला भी याद रखना जरूरी है। तो बाली में जो इंडोनेशिया के बाली में जो आयोजित हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, वह 17वां शिखर सम्मेलन था G20 का, और इसका जो थीम था वो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर रहा था, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर रहा था 17वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम, जो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था नवंबर 2022 में। क्लियर? 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो भारत को सौंप दी है, दिया गया है, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ है 2022 से 2023 तक रहेगा। 1 दिसंबर 2022 में इसका इनॉग्रल जो हुआ उदयपुर में हुआ, राजस्थान के 3 शहर में इस समूह की मेजबानी किया जाएगा। ये जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन है, इसका थीम जो रखा गया है वासुदेव कुटुंबकम रखा गया है। क्लियर? तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप PDF को जरूर ले लीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, और पूरा का पूरा कंटेंट देखने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।